नर्मदापुरम जिले के ग्राम सोमलवाड़ा की महिला किसान कंचन शरद वर्मा जैविक फसल फल के उत्पादन में परिवार की एक अलग ही पहचान है। एक एकड़ की में 40 क्विंटल गेहूं की पैदावार कर 2020 में कृषि कर्मण अवार्ड भी लिया है। बेंगलुरु के तुमकुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंचन वर्मा को अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया था। नर्मदापुरम से लगभग 30 किलोमीटर दूर सोमलवाड़ा में अपने खेत में ही मकान बनाकर कंचन वर्मा निवास करती हैं। महिला किसान ने आंध्र प्रदेश की सुरोमा किस्म की हल्दी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। जिले में अन्य किसान भी इनसे प्रेरित होकर हल्दी की खेती करने लगे हैं। इस बार पूरे नर्मदापुरम जिले में लगभग 100 हेक्टेयर में हल्दी की बोनी की गई है। महिला किसान शरद वर्मा ने बताया कि हल्दी की खेती 3 साल पहले शुरू की। हल्दी की शुरुआत उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन में लगा कर की। पहले साल उन्होंने 1 एकड़ ज़मीन में हल्दी 100 क्विंटल गीली प्राप्त हुई। उसे सुखाने के बाद 16 से 17 क्विंटल हल्दी उन्हें मिली। इस हल्दी से उन्होंने लगभग 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। फिर उन्होंने दूसरे साल से 4 एकड़ में हल्दी उद्यानिकी विभाग से आंध्र प्रदेश से मिलने वाली प्रसिद्ध सुरोमा किस्म की हल्दी लगाई गई, जिसमें प्रति एकड़ 100 क्विंटल गीली हल्दी की पैदावार की गई। हल्दी सूखने के बाद 17 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त हुई। इस बार कंचन वर्मा ने 6 एकड़ में यही हल्दी लगाई है। कंचन वर्मा और भी अन्य तरीके की खेती अपने गांव पर करती है। कर रहे हैं, किस तरह से खेती की जाती है और कितने एकड़ में आपने लगाई है? मेरा नाम कंचन वर्मा है और मैं हल्दी की खेती 2 या 3 साल से कर रही हूँ। ये हल्दी की खेती हम पाली बना करके और पालियों पे लगाते हैं, फिर जब हम उसकी निंदाई करते हैं उसके बाद हम उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं आप हल्दी की? हम 2 साल से कर रहे हैं। इस हल्दी के खाने के अलावा और क्या क्या फ़ायदे होते हैं? हल्दी खाने के अलावा हल्दी हर उस जैसे कोई भी व्यक्ति सर्दी खांसी कोई भी बीमारी चोट लगना हर चीज़ में हल्दी, क्योंकि हल्दी एक औषधि फसल है। तो आपको प्रेरणा कैसे मिली हल्दी लगाने की? हल्दी हमारे ससुर जी कम पैमाने पे यानी खाने के लिए लगाया करते थे घर में, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको थोड़े बड़े पैमाने पे लगा करके देखें। पहले हमने 1 एकड़ में लगाई, फिर थोड़ा उसका वो बढ़ाया, 2 एकड़ में लगा के देखी। जब हमें फ़ायदा लगा तो हमने 6 एकड़ में हल्दी लगाई। लगभग कितना हल्दी निकलती है आपकी 1 एकड़ में प्रति एकड़? 1 एकड़ में हमको 100 क्विंटल हल्दी निकलती है। इसको बेचने के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है या घर से ही बिक जाती है? नहीं, हमको इसको बेचने के लिए मार्केट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हमारे घर से ही बिक जाती है। काफ़ी हल्दी तो हमारे घर से ही निकल जाती है, हमको हल्दी घर से देने में ही फ़ायदा होता है। आपको प्रधानमंत्री के हाथों से अवार्ड भी मिला था, किस लिए मिला था? हमको प्रधानमंत्री से अवार्ड गेहूँ की अधिक पैदावार के लिए मिला था। जैविक खेती की थी, कितने एकड़ में की थी आपने? वो हमने 1 हेक्टेयर में।